तो डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये मान लो प्लेट है, इस पे मैंने फील्ड लगाया एक्सटर्नल प्लस एंड माइनस, तो ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये रहा एक्सटर्नल फील्ड है, और ये मान लो स्लैब, कौन सी स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक हो गया। और दूसरा डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से ये मैंने प्लस 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 किया, ये मैंने माइनस 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 किया, और इस बार जो स्लैब है वो स्लैब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, यानी कि इंसुलेटर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इनमें डिफरेंस क्या है। रूल नंबर वन, जब हमने कंडक्टर किया था, पहला रूल ये है कि इसको आपने चार्ज दिया था प्लस, इसको आपने चार्ज दिया था माइनस, कंडक्टर है बाय इंडक्शन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया था, माइनस, और यहां पर क्या डेवलप हो गया था, प्लस। तो मैंने पूछा कितना, तो आपने बोला प्लस क्यू विल क्रिएट माइनस क्यू विल क्रिएट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इंडक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, सही है, ऐसा किया हमने हमेशा। तो मैंने पूछा उससे क्या हुआ, आपने कहा था देखो कि बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई नॉट, जिसकी वैल्यू मान लो कितनी है 10, ये आपने बाहर सप्लाई की थी, पर बाय इंडक्शन इसके ऊपर सेम चार्जेस डेवलप हो गए, सेम चार्जेस ने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, जिसका नाम था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा 10, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल था। तो जब एक वैल्यू राइट है एक लेफ्ट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या आ गई थी, जीरो। ये प्रॉपर्टी हमने कंडक्टर की लास्ट टाइम डिस्कस की थी, और मैंने कहा था कंडक्टर के अंदर ई जीरो होता है, और मैंने आंसर भी दिया था इसलिए जीरो होता है क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैग्नीट्यूड का होता है, जो आपस में क्या कर जाता है, कैंसल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब डाइलेक्ट्रिक, अब सेम प्रोसेस जब मैंने डाइलेक्ट्रिक के साथ लगाया, तो डाइलेक्ट्रिक में देखो क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक में इसके अंदर देखो इंडक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि इंडक्शन होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, तो उड़ उड़ के इधर से मूव करके तो आएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो कंडक्ट तो कर नहीं पाता। ये कंडक्टर में तो हो जाता है पर इंसुलेटर में हो नहीं सकता। तो अगर आप सोचोगे सारे इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ आगे, नहीं आने वाले, क्योंकि इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक कंडक्ट तो करता नहीं इलेक्ट्रॉन या चार्ज को, तो वो हिलने नहीं देगा। तो जब मैंने माइक्रोस्कोप से खोल के देखा इसे कि हो क्या रहा है इसके अंदर, तो मेरे को इसके अंदर लाखों करोड़ों एटम्स दिखे, ये मैंने लाखों करोड़ों एटम देखे जिनकी शेप ऐसी हो गई थी, थोड़ी स्ट्रेच हो गई। मैंने पूछा तुम्हें क्या हो गया, वो कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ये देखो, तो हम क्या हो गए, खिंच स्ट्रेच हो गए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तुम्हारी पोलराइजेशन हो गई, तुम सारे क्या बन गए, पोलर। मैंने हिस्ट्री भी नहीं पूछी क्या तुम पोलर थे कि नहीं थे, तुम थे या नहीं थे फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या हो चुके हो, पोलर हो चुके हो। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो कहते देखो ऐसा हुआ हमारे साथ, सारे नेगेटिव हमारे यहाँ ले लिए गए, सारे पॉजिटिव राइट पे आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसा हो गया, तो सब स्ट्रेच हो गए। मैंने कहा ठीक है पोलराइजेशन हो गई, यहाँ तक स्टेप क्लियर है, इंडक्शन नहीं हुई, इंडक्शन में तो निकल के इलेक्ट्रॉन भाग के आ जाता है और यहाँ डेफिशिएंसी कर देता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं, बात ही खत्म है, पर यहाँ एटम स्ट्रेच हो चुके हैं। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर मैं एक डायग्राम प्लॉट करूँ सच दैट उस डायग्राम में बस मैं ये वाला पोर्शन काटने वाला हूँ, कट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि लाखों एटम्स का नेगेटिव 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 इधर चला गया, लाखों एटम का प्लस 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 इधर दिख रहे, लाखों एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी लाखों एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो लाखों एटम्स का तो हम काम नहीं कर पाएंगे, डायग्राम बना नहीं पाएंगे। तो बुक्स क्या करती हैं, या हम इजी करने के लिए क्या करते हैं, इतने पोर्शन को हटा ही देते हैं, तो हमारे पास जो नया डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो आपकी बुक्स नया डायग्राम ऐसा दिखाएंगी, वो कहेंगे देखो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है,
तो आपके एटम्स का नेगेटिव 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 इधर दिखा देंगी, बाहर नहीं दिखाएंगी, अंदर ही दिखाएंगी। ये कोई इंडक्शन थोड़ी ना है कि सरफेस पे चार्ज आएगा, ये तो वॉल्यूम वाइज है, अंदर ही दिखाएंगी। और यहाँ पर सारे पॉजिटिव की वजह यहाँ दिखा देंगी। फिर आप पूछेंगे सर ये इंडक्शन हो गई? नहीं, ये इंडक्शन नहीं हुई, ये तो हमने अपने डायग्राम को थोड़ा ईजी बना लिया। हम लाखों एटम दिखाना नहीं चाहते थे तो हमने ऐसा दिखा दिया, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इंडक्शन हुई है। नहीं हुई इंडक्शन, तो क्या हुई है? पोलराइजेशन हुई है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? फिर आप पूछेंगे सर इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? तो मैं कहूंगा देखो एज यूजुअल इसको क्यू और माइनस क्यू हम देंगे, पर इसके ऊपर चार्ज बराबर नहीं आ पाएगा क्योंकि इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं तो बराबर चार्ज आता है। पोलराइजेशन में तो स्ट्रेचिंग होती है तो पूरा चार्ज नहीं आता, क्यू डैश चार्ज आएगा, यहां पर क्यू डैश आएगा, क्यू डैश की वैल्यू क्यू से कम होती है। क्लियर है यहां तक? तो पहला डिफरेंस, कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो चार्ज बराबर डेवलप होता है बाय इंडक्शन, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक बराबर चार्ज यहां पर प्रोड्यूस नहीं करता और इस प्रोसेस को इंडक्शन नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, राइट? फिर आपने ये पूछा सर फिर एक बात बताओ कि अगर ये पोलराइजेशन है तो आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया था है ना, आपने कुछ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया ही होगा। हाँ मैंने कहा किया। कितना किया था? मैंने कहा ई नॉट किया था जिसकी वैल्यू 10 थी, जैसे यहां किया था इसमें भी किया था। फिर उसने कहा डाइलेक्ट्रिक मटीरियल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा। हाँ हुआ, ये रहा, ऐसा हुआ। जिसकी वैल्यू 10 नहीं होगी क्योंकि इसमें बराबर वैल्यू इसलिए डेवलप होती थी क्योंकि चार्ज भी बराबर प्रोड्यूस होते थे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटीरियल में चार्ज कम कमजोर होते हैं क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कमजोर पैदा होती है। तो समझ में आ रहा है? तो इसमें अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, 10 से क्या रहेगी? कम। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसे क्या बोलते थे? ड्यू टू इंडक्शन। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर पैदा हो जाता है, पर पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पैदा नहीं होता, कमजोर पैदा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे इसमें एक वैल्यू राइट 10 है और एक 8 है, तो नेट वैल्यू की वैल्यू अंदर कितनी आती है? 2। तो मैं ये नहीं कह सकता कि डाइलेक्ट्रिक मटीरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो पहला डिफरेंस क्या था? पहला डिफरेंस था कि जब कंडक्टिंग प्लेट को डाला जाता है चार्जेस बराबर होते हैं, इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक में बराबर नहीं होते। दूसरा डिफरेंस कि कंडक्टर के अंदर नेट ई जीरो हो जाता है क्योंकि बाहर और अंदर का प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल करता है। पोलराइजेशन में ये चार्जेस कमजोर होते हैं तो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर में से अंदर की वैल्यू माइनस करके थोड़ी कम होकर आ जाती है, पर जीरो नहीं होती कम से कम। और डायरेक्शन कहाँ होगी नेट ई की? राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट, क्योंकि 10 में से 8 माइनस कर रहे हो, 10 बड़ा है और 10 इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? राइट। तो फिर इसकी वैल्यू भी डायरेक्शन भी कहां होगी? टुवर्ड्स राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट रहता है इसमें। हाँ देखने में उल्टा लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नेट बाहर और अंदर मिला के नेट पूछ रहा हूं। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या क्या डिफरेंसेस है? ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब इसका मतलब अगर मैं सीधी बात करूँ तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अगर आपके पास कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये मैंने दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर मैंने अप्लाई किया जिसकी वैल्यू मान लो कितनी है? 10 है। यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ इंडक्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज कितनी है? 8 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 10 में से 8 गया 2 है।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझ में आ रही है? अब एक डेफिनेशन आने वाली है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, जिसकी पहली डेफिनेशन फर्स्ट डे की थी, फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम। दूसरी डेफिनेशन भी पहले दिन की थी, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तीसरी डेफिनेशन आप करने जा रहे हैं। अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक मटीरियल लें और आपने कितना फील्ड अप्लाई किया, ई नॉट अप्लाई किया था बाहर, और इसके अंदर कितना डेवलप हो गया ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, अगर आप रेशियो लें, ये भी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू देगी। जैसे के का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट माइनस ई पी, ऐसे। तो मेरे इस कैलकुलेशन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 है, तो 10 बाय 2 डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मटीरियल का क्या आ जाएगा 5। तो ये भी एक तरीका है, जैसे आप पूछा करते थे फर्स्ट लेक्चर में कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहाँ से आता है, कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी जो आपका मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढा जाता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है वो रिड्यूस होकर आता है, इसकी रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो प्लीज, फॉर्मूला रजिस्टर में डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक। और इस मटेरियल का नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे बनाओ प्लस, तो ये प्लस क्यू, यहाँ पर बनाओ माइनस, तो ये कितना है माइनस क्यू, यहाँ पर बनाओ माइनस, तो ये बनाओ माइनस क्यू डैश, यहाँ पे बनाओ प्लस, तो ये प्लस क्यू डैश। यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करो, यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट, ई नॉट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट माइनस ई पी, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ई नॉट डिवाइडेड बाय ई, या फिर ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट माइनस ई पी। ये फॉर्मूला नोट करें, यही करवाया मैंने सेम। यहाँ तक क्लियर है? तो कैसे निकलता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर है? और इसमें एक और चीज लिख लें, इसके अंदर नेट ई की वैल्यू क्या थी, ई नॉट माइनस ई पी, ये कौन सा फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा फील्ड है, उल्टा पोलराइजेशन की वजह से, और ये क्या नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिड्यूस होकर आती है, कम होकर आती है, इसको कभी कभी बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनसाइड अ डाई इलेक्ट्रिक।
तो ये कौन सी वैल्यू है, नेट वैल्यू है या रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है यहां तक? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो अगर आप अपने आप असाइनमेंट देखें तो देखो इसको समझना कितना आसान है आपके लिए, 2 मिनट का काम है। ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या रखा, कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बराबर। तो नेट ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट। इसको लिखना चाहिए था पोलराइजेशन, ई पी। इंड्यूस वर्ड गलत है, पर चलो इसने लिख दिया इंड्यूस, और ये बराबर नहीं होती, तो इसके अंदर ई नॉट बड़ा होता है इंड्यूस या पोलराइजेशन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये टॉपिक डायग्राम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, ये डायग्राम भी समझ में आएगा, ये हमने कर लिया कैसे, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखो क्या नाम कैसे लिखा है, फिर से एक बार, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हुई, बिकॉज एटम की क्या हुई, पोलराइजेशन। तो टॉपिक अब समझ में आ रहा है। तो देखो टॉपिक में क्या है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एटम है, इनकी पोलराइजेशन हुई हुई है, पॉजिटिव ने सारे नेगेटिव लेफ्ट की तरफ कर दिए, नेगेटिव ने सारे पॉजिटिव राइट की तरफ कर दिए। ये डायग्राम को काट दिया गया, काट के ऐसा डायग्राम बना। तो ये चार्ज सेम नहीं है, इंड्यूस चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस कमज़ोर हैं। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट है, ये देखो ई नॉट राइट है। पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड एरो कहाँ है, लेफ्ट है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट है, जिसकी वैल्यू ई नॉट माइनस ई पी है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ई नेट को क्या बोलते हैं, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट माइनस ई पी है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की रेशियो मैंने लिखवा दी, ई नॉट बाई ई नेट है या ई नॉट बाई ई नॉट माइनस ई पी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अभी ये फॉर्मूला रजिस्टर में आपने लिखा एग्जैक्टली सेम लिखा।